हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप प्रीति और मैं हूँ प्रीति। आज अपने इस नए वीडियो में आप सबके लिए लेकर आई मीशो कुर्ता सेट और कुर्ती ऑल वीडियो अंडर अफोर्डेबल प्राइस। तो कुछ टाइम पहले मैंने मीशो से अपने लिए कुछ कुर्ता सेट और कुर्तीज ऑर्डर किए थे, वो सारे मैंने अंडर 700 रुपीज़ में लिए हैं। तो आज की वीडियो में ना आपसे मैं उन सबको शेयर करूँगी, उनके जनरल रिव्यूज़ बताऊँगी और वो सारे कुर्ता सेट ना मैंने कॉटन फैब्रिक में लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं रेनी सीजन स्टार्ट होते ना ह्यूमिडिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वॉस की रियॉन लाइक्रा जैसे टाइप के ना फैब्रिक लंबे समय तक पहनना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो हमारी जो स्किन है ना ब्रीद नहीं कर पाती, तो उसके कारण हमें ईचिंग रैशेज जैसी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो कॉटन फैब्रिक जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, हम ईजिली लंबे समय तक उन्हें कैरी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सारे कुर्ता सेट आपसे शेयर करूँगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ ये नया वाला, तो मैंने इससे पहले भी मीशो के ना काफ़ी सारे हॉल वीडियोज़ डाले, अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो उन सबको जाके देख सकते हैं। उन सबके लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये कुर्ता है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल सा कुर्ता है। तो ये आपको इसका जो नेक है राउंड नेक है, आगे से भी पीछे से भी, और पूरे कुर्ते पे ना ऐसे ही पैटर्न वर्क है आप देख सकते हैं। तो ये छापे वाला वर्क नहीं है, ये ना बकायदा थ्रेड वर्क हुआ हुआ है पूरे कुर्ते के ऊपर, और स्लीव्स पे ना ऐसा कुछ सा थ्रेड नॉट बोल सकते हैं नॉट वाला दिया है, जिसके अकॉर्डिंग ना आप अपनी स्लीव्स की ना लेंथ को ना सेट कर सकते हैं। तो इसका जो फैब्रिक है ना कॉटन फैब्रिक है, तो इसका जो फिटिंग है ना कुर्ते की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो और इसका जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 270 रुपीज़ है, और इसमें ना आपको टोटल 7 कलर्स मिल जाते हैं। तो एक कलर आपके हाथ में देखते हैं ब्लू कलर, रेस्ट ऑफ द 6 कलर्स आप देख सकते हैं। जब मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी या कोड मेंशन करूँगी, आप उसके थ्रू ना 6 कलर्स देख सकते हैं। तो इसकी फिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप स्क्रीन की साइड पर देख सकते हैं। मैंने अपने व्हाइट प्लाजो के साथ से कैरी किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक तो कॉटन फैब्रिक है, तो अकॉर्डिंग टू अवर प्राइस ना इसकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सेम मैंने ना ये वाला कुर्ता अमेज़ॉन पे भी देखा था, वहाँ पर इसका जो प्राइस था वो था 350 रुपीज़, बट मुझे मीशो से सेम कुर्ता 270 रुपीज़ का मिला, नॉट अ बैड डील। तो इसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूँगी। तो नेक्स्ट जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये कुर्ता सेट है, इसमें मुझे मिला है ये कुर्ता, ये प्लाजो और इसका दुपट्टा, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 600 या 650 रुपीज़ का है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका ये कुर्ता है, तो ये पूरा ना ऑल ओवर ब्लैक कुर्ता है कुछ इस तरीके का। तो इसके कुर्ते पे आगे ऐसा पैच वर्क है और राउंड नेक है कुर्ता का, आप देख सकते हैं। और जो स्लीव्स है वो सेमी स्लीव्स है, और स्लीव्स पे भी ऐसा ही पैच वर्क लगा हुआ है दोनों पर, ठीक है। इसके अलावा मुझे इसमें मिला है ये प्लाजो, तो और जो प्लाजो है आगे से ये बेल्ट है, पीछे से इलास्टिक है, और प्लाजो पर भी ना ऐसे ही नीचे जो ना कफ पर उसके प्लाजो के यहाँ पर इस पर भी पैच मिला है। इसके अलावा इसमें मुझे मिला है ये दुपट्टा, तो ये सिल्क का दुपट्टा है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हैं। तो स्क्रीन की साइड पर देख सकते हैं, मैंने इसको पहन के दिखाया हुआ है। तो इसमें ना आपको बहुत सारे कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं, जब मैं इसका कोड जो है डिस्क्रिप्शन में करूंगी ना आप सारे कलर्स देख सकते हैं। तो इसका जो फैब्रिक है कॉटन फैब्रिक है, और जो दुपट्टा है ना वो आर्ट सिल्क फैब्रिक का है। तो ये कुर्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन की साइड पे मैंने इसे पहन के और कैरी करके दिखाया हुआ है। तो ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप इसको ना ऑफिस में भी डाल सकते हैं, आप अगर कॉलेज गएंगे तभी भी कैरी कर सकते हैं, छोटी मोटी आपके घर में कोई फंक्शन है उसमें भी कैरी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे मैंने साइज़ ऑर्डर किया है, स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया, इसमें भी आपको साइजेस के ना काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सल, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो इसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो नेक्स्ट जो है आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये वाइट विद अ ब्लैक एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो इसका जो नेक है कुछ इस तरीके का है, और पूरे कुर्ता के ऊपर ना ऐसे ही थ्रेड वर्क से ना एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है, इसकी स्लीव्स पर भी, आगे भी और पीछे भी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
और जो कुर्ता है ना, इसकी ये जो साइड है ना, इसमें एम्ब्रॉयडरी वाली ना लैस लगाई हुई है पूरे कुर्ता के ऊपर। और जो कुर्ता है ना पीछे से ऐसे प्लेन है, आप स्क्रीन की साइड पे भी देख सकते हैं। मैंने इसे कैरी किया हुआ है अपनी ब्लैक पजामी के साथ, तो आप ब्लैक प्लाजो के साथ भी कैरी कर सकते हैं, व्हाइट प्लाजो के साथ भी कैरी कर सकते हैं, इवन आप इंडो वेस्टर्न लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसके साथ ना अपनी डेनिम जीन्स पहन सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है। अब हम साइज़ की बात कर लेते हैं, तो मैंने अपना इसमें स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया है, तो इसमें साइजेस भी काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। अब हम कलर की बात कर लेते हैं, तो मेरे हाथ में आप एक कलर देख रहे हैं, वो है इन अ वाइट कलर। तो इसमें ना आपको कलर्स ऑप्शन भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। आपको ये ब्लैक कलर में मिल जाएगा, ग्रीन कलर में मिल जाएगा, ब्लू कलर में मिल जाएगा। तो जब मैं इसका कोड ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, आप रेस्ट ऑफ द कलर्स देख लेते हैं। अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसका जो प्राइस है वो है 450 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा मुझे सॉफ्ट लगा। तो इसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो नेक्स्ट जो कुर्ता है मेरे हाथ में देख रहे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट कुर्ता है, जयपुरी प्रिंट में ये कुर्ता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका जो नेक है ना कुछ इस तरीके का है, राउंड नेक है, और इस पे ना ऐसे सामने ना डोरी बंदी भी आती है, और ऐसा लेस वर्क हुआ हुआ है, और जो है ये सेमी स्लीव्स कुर्ता है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हैं। तो पूरे कुर्ता पे ना ऐसे ही जयपुरी प्रिंट हुआ हुआ है। तो ये कुर्ता ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ना लाइट वेट है ये कुर्ता, आप स्क्रीन की साइड पे देख सकते हैं। मैंने इसे कैरी किया हुआ है अपने वाइट प्लाजो के साथ, आप इसको ना डेनिम जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। आपके पास क्रीम या बेज कलर का प्लाजो है ना उसके साथ भी कैरी कर सकते हैं। ये ना बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके हम प्राइस की बात कर लेते हैं, वो है 335 रुपये का ये कुर्ता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है, तो फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और फिटिंग इस कुर्ता की ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें जो मैंने अपना साइज़ ऑर्डर किया है वो स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया है, आपको इसमें बहुत सारे साइजेस मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये कुर्ता ना मेरी तरफ से मैं इसको 100 out of 100 देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो नेक्स्ट मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये पूरा कुर्ता सेट मुझे 700 रुपीज़ का मिला है। इस कुर्ता सेट में मुझे मिला है ये कुर्ता, इसके साथ ये प्लाजो और दुपट्टा, ठीक है। तो ये सेम कुर्ता ना मैंने अमेज़ॉन पे भी देखा, तो वहाँ पर इसका प्राइस आई थिंक 1200 या 1300 रुपये का था, और मीशो पे मुझे 700 रुपीज़ का मिला, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ये वाला कुर्ता सेट ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो मैं आपको पहले कुर्ता दिखा देती हूँ, कुर्ता मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी सा लगा। तो कुर्ता कुछ ना इस तरीके का आप नेक दे सकते हैं, वी नेक है और लैस है, और साइड में ना जो इसका पैटर्न है कुर्ता का, ये जयपुरी, जैसे हम कभी भी देखा होगा जयपुरी कुर्ताज में ऐसा वाला पैटर्न बना हुआ होता है। इसके अलावा सेमी स्लीव्स है, और स्लीव्स पे भी ऐसे ही लैस लगा हुआ है। तो और जो कुर्ता है ना वो अनारकली शेप में है। इसके अलावा मुझे इसके साथ मिला है ये दुपट्टा, पूरे ऑल ओवर दुपट्टा बना, ऐसा ही प्रिंट वाला पैटर्न वर्क हुआ हुआ है, ऐसा कोई छापे वाला। इसके अलावा मुझे इसमें मिला है ये प्लाजो, तो ये आगे से प्लेन है, पीछे से इलास्टिक है, और पूरे पैटर्न इस पर ऐसा बना हुआ है प्लाजो के। उस पर तो दो कलर्स मिलते हैं, एक आप मेरे हाथ में देखते हैं पिंक और वाइट, और जो सेकंड कलर आपको इसमें मिलेगा वो है ब्लू और वाइट। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने इस पर अपना स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया था, तो इसका ना बस थोड़ा सा मुझे कुर्ते की फिटिंग लूज है, अदरवाइज़ ऑल ओवर जो कुर्ता सेट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉटन फैब्रिक है, और पहना हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आप छोटे मोटे ओकेजन अगर आपके घर में है ना, तो उसमें भी कैरी कर सकते हैं, आप ऑफिस गोएंगे या कॉलेज गोएंगे तो भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने इसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन लेंगे तो और भी ज़्यादा निखर कर ये कुर्ते की जो अच्छा लगेगा बहुत ही ज़्यादा। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो नेक्स्ट जो है मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये कुर्ता सेट मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है, तो इसमें मुझे मिला है ये कुर्ता और इसके साथ का प्लाजो, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस कुर्ता का नेक ना कुछ इस डिज़ाइन का है, और पूरे कुर्ता पे ना ऐसे ना पैटर्न वर्क हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसकी भी ना सेमी स्लीव्स हैं, और स्लीव्स पे ना कुछ इस तरीके का ना ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है ऐसा, और अम्ब्रेला कट है और सेमी स्लीव्स है, ठीक है। इसके अलावा मुझे इसके साथ ये प्लाजो मिला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आगे से इलास्टिक है,
सॉरी पीछे से इलास्टिक है और आगे से ये बेल्ट प्लेन वाला है और दोनों साइड आपको पॉकेट्स मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस कुर्ता सेट में यही लगी कि प्लाजो में ना पॉकेट मिलती है, तो ईजिली ना आप ना हैंगी फ़ोन रख सकते हैं जो मुश्किल होता है पकड़ने में। तो इसके अलावा जो इसका प्राइस है वो है 470 रुपीज़, और मैंने अपना साइज इसमें जो ऑर्डर किया था वो स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया था। बस मुझे इसमें एक ही कमी लगी, शायद बहुत बड़ी कमी है कि इसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई है। मैंने स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया था, मैं ऑलवेज स्मॉल साइज़ ऑर्डर करती हूँ, सबका वो सही आता है, बट इसमें मुझे इतना ज़्यादा लूज़ आया है स्मॉल साइज़। और प्लाजो की तो बात ही बहुत निराली है, प्लाजो तो बहुत ही ज़्यादा लूज़ है, अगर मैं फिटिंग भी कराऊँगी ना प्लाजो की फिर भी मुझे फिट नहीं होगा। तो इसमें टोटल ना आपको 4 कलर्स मिल जाते हैं, एक जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, रेस्ट ऑफ द 3 कलर्स आप देख सकते हैं जब मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी। तो इसका जो फैब्रिक है वो रियॉन प्लस कॉटन फैब्रिक है, फैब्रिक मुझे अच्छा लगा, लाइट वेट है, सॉफ्ट है फैब्रिक, आप इजीली से लंबे टाइम तक ना कैरी कर सकते हैं, बट जो फिटिंग है ना मुझे वो पसंद नहीं आई। तो इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। होप आप सबको मेरा नया वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट दी लाइक बटन और वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट